का महोत्सव प्रारंभ किया जाए। मामा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो मान्या के स्कूल से हो रही है, क्योंकि पीटीएम था तो हम लोग आए हुए हैं। मैम ने काफी तारीफ करी वंदिता की और इन्हें प्राइज भी मिले हैं जो कि 15 अगस्त को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी भी चल रही थी, तो मान्या की तो आज छुट्टी है इसलिए इनको प्रैक्टिस नहीं करवाया गया है। तो पीटीएम तो खत्म हो गया, अब जा रहे हैं घर वापस। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आए हुए थे लेकिन अभी यहाँ पे बंद है क्योंकि हम लोग बहुत सुबह ही आ गए हैं। 7:30 से 9:30 की टाइमिंग दी गई थी तो हम लोग 8 बजे यहाँ पे आ गए थे और अभी 8:30 हो रहे हैं। मान्या झूला देख ले तो बस रुकती नहीं है। अभी घर चली जाएंगी तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो आज कह रही है झूला झूलने के लिए। मान्या लेकिन कपड़े गंदे हो जाएंगे बेटा। कहाँ चढ़ रही हो? गिरना नहीं बेटा, चलो आ जाओ आराम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज बादल सुबह से चढ़े हुए हैं, देखिए बारिश होती कि नहीं। हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि इस टाइम पे उमस ही हो रही है। तो हम आ गए हैं घर और अब करते हैं चेंज, उसके बाद बनाते हैं चाय। जैसे बाहर अच्छा लग रहा है मौसम, लेकिन घर आओ ना तो बहुत गर्मी सी लगती है। क्या बन रहा है फिर आज? आज खाने में है पूरी, कचौड़ी, पनीर और भैया की सूखी सब्जी, खीर। सिवाई क्या खाएंगे? सिवाई की वो वाली चावल, सिवाई अच्छी लगती है, पतली वाली सिवाई। फटाफट से खाना बन जाए। आलू तो बॉयल हो ही गए हैं। आलू तो कर लिया, बस भुइया में भी टाइम नहीं लगेगा, तो चढ़ाएंगे फटाफट से, हो तो जाएगा। आप चाय पी और समोसा जलेबी। हाँ अभी समोसे जलेबी मंगा रहे नाश्ते के लिए, तो फोटो खिंचा लो। क्या मिल गया? एक खोल ली थी अभी, ये चश्मा लगा लो, चश्मा ये लगा लो। बड़ी सुंदर लग रही, बहुत ज्यादा एकदम। अरे बाप रे, ओहो अदाएं देखिए जरा इनको। कैट वॉक करके दिखाओ कैसे करोगी उस दिन। पीछे देख के चलो, देखो बुआ के पैर, देखो पैर, देखो मिंटी ने एक बार तुम्हें सिखाया था ना मिंटी इसको। ऐसे नहीं बोल रहे हैं। गांव से भैया आए हुए हैं राखी बनवाने, तो अभी शाम को मिंटी लोग बांधेंगे, लेकिन भैया को भी वापस भी जाना है तो अभी भैया को पहले बांध देंगे। मेरे सारे रक्षाबंधन पे किशन, चेतन और भैया आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगा। और भैया को मैं रोक रही थी खाना खा के जाएं, लेकिन भाभी भी नहीं है, वो भी अपने मायके गई हुई है और घर पे कोई नहीं है, दद्दा अकेले हैं, तो भैया इस वजह से जल्दी जा रहे हैं। सब कुछ तो बन गया, बस सब्जी बनानी है, तो अभी जा रहे हैं उसकी तैयारी करने। वैसे टाइम सही, अभी 12:30 बज रहे हैं, 1 बजे तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा। खाना बन गया? हाँ सब बन गया, बस कचौड़ी और पूरी बना रहे। ओके, क्या क्या है? पनीर की सब्जी, ये रायता हो गया, छोंक दिया, आधी चीजें उधर रखी हुई है। अभी किचन बहुत बुरी तरह से फैला है, अब इसको खिला दे, उसके बाद पूरे घर की सफाई होगी, क्योंकि आज कुछ भी नहीं हो पाया था मीटिंग की वजह से इनके, तो अभी खाना वाना हो जाए फिर लगे। अच्छा आप पीटीएम में गई थी क्या? किसके साथ? जी सब लोगों ने तो खाना खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ खाने। आज मैंने खाने में बनाया है पनीर, रायता, खीर, कचौड़ी, पूरी, घुइया की सब्जी। तुम्हारा टाइम हो गया ना? 4 बजने वाले हैं। हाँ, 4 बजे हमें लगा आज तुम नहीं आओगी, एकदम टेंशन दिए। मैंने बर्तन नहीं निकाले, बहुत सारे बर्तन रखे हैं अंदर, मैं हम ना देखे तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सही में तुम आ जाया करो बस, चलो बर्तन निकाल रहे। मामा की बेटियां हैं, छोटी छोटी हैं, जो हमेशा मेरे वीडियो में आती भी रहती हैं, छुटकी लोग, तो वो आएंगी। हर बार चॉकलेट वगैरह देते थे तो इस बार सोचा कुछ नया दे दें, उन लोग के पढ़ने लिखने का सामान दे दें तो उन्हें अच्छा भी लगेगा, तो पेन, डायरी और पेंसिल इस तरह की चीजें लेके आए हैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारा थोड़ी ना है, किसका? तुम्हारा गिफ्ट कल मिल चुका है, किसका? ये पापा को बांधेंगे ना छुटकी बुआ, ये उनका गिफ्ट है। ये पापा को बांधेंगे ना छुटकी बुआ, ये उनका गिफ्ट है। प्रारंभ किया जाए। सुंदर से बोला है? नहीं, पहले सीरियस थी लगता, सिर्फ भूल गई थी।
तो ये हमारी मामा की लड़कियां सब आ गई राखी बांधने और दीदी बांधेंगी यश को। यश भी आ चुके हैं और छुटकी बुआ भी आ गई है। मान्या रेडी, थोड़ी कम रेडी, हंस नहीं रही ना वो सबसे। चलिए फिर, हमेशा की तरह एवर रेडी नहीं है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना फिर से राखी का फिर राखी। चलिए तो राखी वगैरह बंध गई है और इतना अच्छा लगता है क्योंकि ना इनकी काफी सारी बहनें हैं, मामा की लड़कियां हो गई तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। और चाय बना लिया है, पापा जी से मिलने भी आए थे, काफी लोग मिलने आए हैं तो उन लोगों को चाय भिजवा दिया है और अब जा रहे हैं हम लोग चाय पीने। गर्मी आज बहुत ज्यादा है, धूप नहीं निकली लेकिन उमस बहुत है, बारिश हुई नहीं है। चाय पीने के बाद दीदी चली गई है मामा के घर पे मामी लोगों से मिलने, क्योंकि बहुत टाइम बाद आना होता है तो फिर अब पास में ही है तो मिलना भी ज़रूरी बनता है। तो अभी मुझसे भी बोल रही थी लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है और टाइम भी हो रहा है, अभी 9 बजने वाले हैं। फिर लेट हो जाता तो फिर रात में काफ़ी लेट का सब कुछ करते करते ना बहुत रात हो जाती है। तो फिलहाल मैं चेंज करके जाती हूँ किचन में। तो खाना वगैरह सब कुछ हो गया है और आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता है। कल तो नहीं पता चल रहा था कि त्योहार है बट आज सब लोग आ गए थे और सुबह से खाना पीना सब चल रहा था तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सबने एंजॉय किया। त्योहार पे यही होता है, जब सब लोग होते ना तभी त्योहार होता है, वरना तो अकेले खाना ही खाना होता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पसंद आता तो अनलाइक कर दिया करिए, लेकिन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।